छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह का वीडियो मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह खुले आम गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच में रामानुजनगंज विधायक ने बैंक कर्मचारी का कॉलर पकड़कर ताबड़तोड़ दो तीन तमाचे जड़ दिए। विधायक बृहस्पत सिंह का जब तमाचों से मन नहीं भरा तो बैंक कर्मी को घूंसे मारने लगे। विधायक महोदय गुस्से में इतने थे कि अपने सुरक्षा कर्मियों को रोकने पर भी नहीं रुके। पूरी भड़ास बैंक कर्मी पर निकालने के बाद ही विधायक बृहस्पत सिंह का गुस्सा ठंडा हुआ। विधायक के हाथों मार खाने वाले दोनों कर्मचारियों का नाम राजेश पाल और अरविंद सिंह है। जानकारी के अनुसार दोनों बैंक कर्मी रामानुजगंज की जिला सहकारी बैंक में काम करते हैं। किसानों के भुगतान में लापरवाही की बात पर विधायक बृहस्पत सिंह भड़के हुए थे। अब पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विधायक की करतूत पर लोगों ने कई सवाल उठा दिए। वहीं अब कर्मचारी बृहस्पत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने विधायक बृहस्पत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों के सामने कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह द्वारा एक व्यक्ति को बर्बरता से पीटा गया है, हताश हो चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ना तो जनता के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं और ना ही कोई काम करवा पा रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों में इतनी हताशा है, इतनी निराशा है कि वो आम जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरीके से आम आदमी को सरेआम उसकी पिटाई की, उसको लात घूसों से मारा, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस के विधायक कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, इसके कारण से झुंझलाहट में, बौखलाहट में वो आम व्यक्ति को मारपीट करने पे उतारू हैं, हिंसक हो गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि ऐसे हिंसक, ऐसे अत्याचारी विधायक को तत्काल पद से मुक्त करें। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने विधायक बृहस्पत सिंह के करतूत को एक गंभीर अपराध बताते हुए भूपेश सरकार से अपने इस विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आरोपी विधायक को पार्टी और विधानसभा से बर्खास्त करने की, गिरफ्तारी की। दूसरी तरफ विधायक बृहस्पत सिंह के करतूतों से नाराज बैंक कर्मियों ने दो दिन की हड़ताल की घोषणा कर दी है। बैंक में कर्मियों ने सरकार से कहा है कि अगर विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कांग्रेस आरोपी विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। Thank you.